अगर आपने गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी देख ली है तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी में हमें बहुत सारे न्यू टाइटन्स देखने को मिले। मूवी में हमें एक बहुत बड़ा सांप जैसा टाइटन भी देखने को मिला जिसकी कॉन्ग से लड़ाई होती है। और हाँ, मैं टीएमआई टाइटन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बिल्कुल अलग टाइटन है। मैं बात कर रहा हूँ उस टाइटन के बारे में जो हमें हॉलोअर्थ के पानी में देखने को मिला। तो दोस्तों, हम मॉन्स्टर वर्स के न्यू जायंट स्नेक टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से मुझे और भी वीडियोस डालने के लिए मदद मिलेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस वाटर स्नेक टाइटन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ग सुकू को फॉलो करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुँच जाता है। इस जगह पर कलरफुल पहाड़ियाँ है और बहुत सारा पानी भी है। यहाँ पर सुकू कॉन्ग को फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुकू को ऑलरेडी पता है कि पानी में एक बड़ा टाइटन है। तो यहाँ पर जब कॉन्ग पानी पी रहा होता है, उसी वक्त उसके पीठ पर हमें एक बहुत ही बड़ी परछाई नज़र आती है। जब कॉन्ग उसकी तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा सांप जैसा टाइटन है। ये टाइटन तुरंत कॉन्ग पर हमला कर देता है और सुको वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर हमें इस टाइटन का पूरा लुक देखने को मिलता है। जब मैंने मूवी को दूसरी बार ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि सांप जैसे टाइटन का मुंह पिराना मछली जैसा है, मतलब इस टाइटन का फेस काफ़ी हद तक एक बड़े फिश जैसा लगता है। लगभग 90% उसका फेस इस इमेज की तरह ही लगता है। मूवी में भी इस टाइटन के बिल्कुल ऐसे ही बड़े दांत होते हैं और उसके मछली जैसे फर भी होते हैं। ये एक सिल्वर कलर का टाइटन है जिसके ऊपर हमें येलो कलर की लाइंस देखने को मिलती है। इस टाइटन का पिछला हिस्सा काफ़ी हद तक कुछ इस तरह दिखता है। ये टाइटन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये कॉन्ग को अपने मुँह से ज़ख्मी करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग अपने एक्स को उसके मुँह में फंसा देता है और रोक देता है। ये टाइटन इतना फास्ट मूव करता है कि इसे हम ध्यान से देख भी नहीं पाते। इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल एक बड़े सांप की तरह है, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइटन के पीठ के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन है। और इस टाइटन का आखिरी वाला हिस्सा बिल्कुल सेंटीपीड यानी कि कन खजूरे के आखिरी वाले हिस्से की तरह दिखता है। यह टाइटन कॉन्ग के हाथ को लपेट लेता है और उसे पानी में लेकर जाता है। फिर इसके बाद हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता, डायरेक्टली हमें इस टाइटन का कटा हुआ सिर दिखाया जाता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही छोटा सा सीन था, इसे कम से कम 1 मिनट के लिए दिखाना चाहिए था। पानी में कॉन्ग के साथ उसकी फाइट भी दिखानी चाहिए थी और कॉन्ग ने उसका सिर कैसे काटा, ये सब कुछ हमें देखना था। खैर दोस्तों, इस टाइटन के पास कोई भी पावर नहीं होती, सिर्फ ये बहुत ही फास्ट मूव करता है। टीएमएट वाला सीन और ये वाला सीन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया और यही इस मूवी का बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। मूवी में हमें इस टाइटन का नाम तो नहीं बताया गया है और कहीं पर भी इस टाइटन का नाम ऑफिशियली मेंशन नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इसे एक मॉन्स्टर वर्स का जायंट स्नेक वाटर टाइटन कहेंगे। शायद इस टाइटन का नाम गेटर स्नेक हो सकता है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने फुल मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया है, जहाँ पर मैंने मूवी के एंडिंग के बारे में डिस्कशन भी की है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।